जैसे कुछ दिन पहले डीसी वालों ने सिनेमाकॉन में कुछ करने की कोशिश तो करी, उसके जस्ट ऑपोजिट मार्वल वालों ने ढेर सारे गोला बारूद गिराए हैं, क्योंकि डेडपूल से लेकर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, थंडरबोल्ट से लेकर थॉर का डेडपूल में अपीयर होना, सब कुछ पता लग चुका है। स्टार्टिंग ऑफ फिट टोपी मास्टर सर्जी केविन फाइगी का स्टेज पर आना, जिन्होंने सिनेमाकॉन मार्वल की पैनल को किक ऑफ किया। उन्होंने बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी, क्योंकि 2025 में ये इन लोगों का सबसे आखिरी प्रोजेक्ट होगा जो रिलीज होगा। इस साल डेडपूल एंड वुल्वरीन आएगी, उसके बाद अगले साल की पहली मूवी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, उसके बाद थंडरबोल्ट्स, और उसके बाद आएगी फैंटास्टिक फोर। इसी वजह से इस मूवी के बारे में सबसे कम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। बस हमको ये बताया गया कि ये मूवी जो है वो आईमैक्स के लिए फिल्म करी जाएगी, और उसके बाद वो मूव ऑन करके थंडरबोल्ट्स के ऊपर, जिसके आखिरी में एक एस्ट्रिक्स लगा हुआ था, और उन्होंने कहा कि एस्ट्रिक्स जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंस को कैरी करता है। ऐसा क्यों है वो आपको ये मूवी खत्म होने के बाद पता लगेगा। और नहीं, उनका मतलब ये नहीं था कि मूवी का टाइटल चेंज कर दिया जाएगा, मूवी का टाइटल थंडरबोल्ट्स कंफर्म्ड है। बस उन्होंने ये कहा कि ये जो निशान, ये जो चिन्ह लगा हुआ है, ये ऐसा क्यों है इसके बारे में अभी नहीं बता रहे हैं, मूवी खत्म हो जाएगी उसके बाद अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। इसको लेकर मेरी अपनी थ्योरीज है, ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन अलग से वीडियो में बात कर सकते हैं। बस इतना ही बोल सकता हूँ कि एवेंजर्स लेकिन अंधेरे में। लेकिन इसके बाद काफी इंटरेस्टिंग चीजें ड्रॉप होनी शुरू होती है, जिसमें से सबसे पहली आती है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। नाउ टू बी ऑनेस्ट, मैं इस मूवी को लेकर इतने ज्यादा अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था कि लोग मूवी का लोगो रिवील करके और बस यहीं पे छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, ये एक स्टेप आगे गए और मूवी को लेकर सबसे पहले इमेजेस ड्रॉप करनी शुरू करी। फिर इसके बाद फाइगी जी ने जो है मूवी के बारे में बात करना शुरू करी, उन्होंने कहा कि नहीं, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो है वो एक स्टेप आगे जाती है, और हम लोगों ने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में जिस लेवल का थ्रिल और एक्शन एक्सपीरियंस किया था, इस मूवी में भी उन लोगों ने कुछ वही चीज को कैप्चर करने की कोशिश करी है। मतलब ये मूवी भी ग्राउंडेड रियलिटी के साथ जुड़ी होगी। उन लोगों ने एलियन, स्पेसशिप, ऑल्टरनेट रियलिटीज, इनके लिए अलग मूवीज रिजर्व करके रखी हुई है, और उस पर वो लोग कई सारी मूवीज में बात कर चुके हैं, बट इट इज टाइम टू टॉक द ग्राउंड रियलिटी नाउ। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, बिकॉज दे वेंट अ स्टेप अहेड, और वहां पर उन लोगों ने इस मूवी की एक फुटेज को स्क्रीन किया। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो फुटेज है ये अभी तक, जब तक मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो बाहर निकल के नहीं आई है, और प्रोबेबली ऑफिशियल तरीके से निकल के भी नहीं आई। अब किसी ने सुमड़ी में या चोरी चोरी चुपके चुपके इसको शूट कर लिया हो बिना किसी को बताए, तो बात अलग है। और इसको मूवी रिलीज होने से करीब 6 महीने के पहले रिलीज किया जाएगा, तो हाँ, इसको क्लोज्ड इवेंट में स्क्रीन किया गया है, इसीलिए सिर्फ डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, तो जो मुझे पता लगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो ये पूरी फुटेज स्टार्ट होती है व्हाइट हाउस के सामने, जहां पर काफी सारी प्रेस गैदर हो चुकी है। थंडरबोल्ट रॉस और सैम विल्सन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। थंडरबोल्ट रॉस हैरिसन फोर्ड प्ले कर रहे हैं, ऑफ कोर्स। सैम विल्सन उनको देखकर थोड़ा सा चंबित होते हैं, क्योंकि उनके हाथ में लॉलीपॉप है, लेकिन हैरिसन फोर्ड उसको कहते हैं दैट इज फॉर द डॉक्टर ऑर्डर। हैरिसन फोर्ड क्योंकि एक नए एक्टर है, तो उसको देखकर सैम विल्सन एक्नॉलेज करते हैं और कहते हैं कि आई एम नॉट यूज टू द न्यू लुक। और इसके बाद थंडरबोल्ट रॉस सैम से कहते हैं कि जो भी तुमने मेक्सिको में किया उससे मेरी आंखें खुल गई, और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि एवेंजर्स को कैप्टन अमेरिका एक बार फिर से रिबिल्ड करे। और ये सुनकर सैम विल्सन उससे कहता है कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट अगर इस पूरी नई टीम बनाने के बाद हमारे दोनों के नजरिया आपस में नहीं मिलते तो। लेकिन इसके बाद प्रेसिडेंट रॉस जो है वो अपना प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने, और वहां मौजूद प्रेस को बताते हैं कि कैप्टन अमेरिका और हॉकिन टॉरेस जो इस मूवी का फाल्कन होंगे, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ मिलेनिया करी है। अभी डिस्कवरी क्या होगी इस फुटेज में एक्सप्लेन नहीं किया गया, बट आई थिंक ये वही चीज है जिसको प्रेसिडेंट रॉस थोड़ी देर पहले मेक्सिको वाली इंप्रेसिव चीज कह के बता रहे थे। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि उन सारे के सारे स्पीकर्स पे एक मिस्टीरियस म्यूजिक प्ले होने लगता है, और वहां मौजूद जितने भी लोग होते हैं, मतलब जितने भी सीक्रेट सर्विस के आदमी होते हैं, इंक्लूडिंग आइजिया ब्रैडली, जी हाँ आइजिया ब्रैडली, जिनको हमने आखिरी बार फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था, वो भी उसी स्क्वाड में मौजूद होते हैं, और वो सब के सब लोग एक पर्टिकुलर वर्ड से ट्रिगर से हो जाते हैं, जैसे माइंड कंट्रोल हो रहे हो, जैसे हम लोगों ने बकी को भी देखा था, और वो अचानक से प्रेसिडेंट रॉस पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, जैसे उसको असासिनेट करने की कोशिश कर रहे हो। और ये सब कुछ देखकर सैम विल्सन तुरंत ही उनको बचाने की कोशिश करता है। वो अपने सिविलियन कपड़ों में है, अपने कैप्टन अमेरिका सूट में भी नहीं है, एंड एकदम पब्लिक केओस एंसू होता है। और बस इसके बाद बहुत सारे रैपिड एक्शन शॉट्स दिखाए जाते हैं जो मूवी में अपीयर होंगे, जैसे एक लैब का शॉट दिखाया जाता है जहां पर सैम विल्सन की फाइट चल रही है, उसके बाद सैम विल्सन कुछ फीमेल कैरेक्टर से लड़ रहा है, कौन सी कैरेक्टर है नहीं पता, लेकिन इनके पास इलेक्ट्रिक वेपन है जिसका वो इस्तेमाल कर रही है। फिर इसके बाद सैम को कहते हुए सुना जाता है कि इनर सर्कल कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। किसका इनर सर्कल? प्रोबेबली प्रेसिडेंट का, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया ऑल्दो। और एक फाइट के दौरान प्रेसिडेंट रॉस सैम से कहते हैं यू आर नॉट स्टीव रॉजर्स, और सैम विल्सन की तरफ देखकर उनसे कहता है यू आर राइट
आई एम नॉट। और बस इसके बाद हमको सैम विल्सन के नए कैप्टन अमेरिका सूट की एक झलक देखने को मिलती है, जो उसके पुराने सूट से काफी ज्यादा डिफरेंट है। एंड जहां तक मुझे समझ में आया, इट लुक्स स्लीक, जैसे हमने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में कैप्टन अमेरिका का देखा था स्टीव रॉजर्स का, तो ये भी उसी तरह का स्लीक सूट नजर आ रहा है एंड मुझे काफी पसंद आया। और जितना भी इस फुटेज का डिस्क्रिप्शन अभी तक सुनने में आया है तो काफी बढ़िया लग रहा है। ऑफ कोर्स वो माइंड कंट्रोल वाली चीज से ये लोग लीडर की तरफ हिंट कर रहे हैं, लेकिन उस बारे में अभी बात नहीं करी जाएगी, किसी और दिन। फिलहाल के लिए हम लोग बात करते हैं हमारी अगले सेगमेंट की तरफ, जहां पर मार्वल वेंट अहेड एंड एक 9 मिनट की डेडपूल एंड वुल्वरीन की क्लिप को शो किया। अब ये क्लिप भी ऑफ कोर्स कहीं पर भी हमको नहीं दिखाई गई है, मतलब अभी तक तो इसका कुछ भी निकल के नहीं आया है, लेकिन वही डिस्क्रिप्शन वगैरह अवेलेबल है तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले डेडपूल एंड वुल्वरीन स्क्रीन पे अपीयर होते हैं। नहीं, ये वाली जो फुटेज होगी मूवी का पार्ट नहीं है, इसको एक्सक्लूसिवली इन लोगों ने सिनेमाकॉन के लिए शूट किया था, जिसमें डेडपूल और वुल्वरीन स्क्रीन पे आते हैं और लोगों को कहते हैं कि अपने फोन्स को बंद कर दो। लेकिन ये सब कुछ करने का तरीका बिल्कुल डेडपूल एंड वुल्वरीन स्टाइल में था, क्योंकि दोनों चलते चलते आते हैं। डेडपूल वुल्वरीन से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि सीक्रेट वॉर्स में लोग फाइनली किसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं? इतने में किसी का फोन बज जाता है, स्क्रीन पे ही बज रहा होता है। वुल्वरीन गुस्से में आकर डेडपूल को फ्रेम से बाहर धकेलता है, कैमरे को अपनी तरफ खींचता है और खुद फोर्थ वॉल ब्रेक करता है। डेडपूल नहीं, वुल्वरीन, ह्यूज जैकमैन का वुल्वरीन ये काम कर रहा है और कहता है, हे बब, यू आर इन अ मूवी थिएटर, टर्न ऑफ योर फकिंग फोन। और वुल्वरीन गाली गलौज कर ही रहा होता है कि डेडपूल दोबारा से फ्रेम को एंटर करता है और कहता है कि ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, मुझे पता नहीं था तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, लेकिन तुम्हारे फोर्थ वॉल ब्रेक करने से उसका वो वाइब्रेट करने लग गया। वो क्या? जो तुम सोच रहे हो, वही डेडपूल एंड वुल्वरीन है। आई सीरियसली होप ये वाला सेंसर बोर्ड इस मूवी को सेंसर ना करे, मतलब हमारे यहाँ आर रेटेड मूवीज को आर रेटेड करने के बाद भी, ए सर्टिफाई करने के बाद भी बीप 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 मार दिया जाता है। सो आई ये मत करना, प्लीज मत करना। लेकिन इसके बाद केविन फाइगी जी जो स्टेज पे खड़े थे, वो खुद भी एफ बॉम्ब ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं, ये बोलते हुए कि आई कैन डू दिस बिकॉज डेडपूल इज रेटेड आर। लेकिन फिर आता है कहानी में एक और ट्विस्ट, और वो है थॉर नाम का। जी हाँ, थॉर डेडपूल में है, बिल्कुल है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आप सोच रहे हो, क्योंकि इन लोगों ने पुरानी फुटेज को रिसाइकिल किया हुआ है। थॉर द डार्क वर्ल्ड में आपको वो सीन तो याद होगा जहां पर थॉर लोकी को पकड़ के रो रहा होता है, तो उसी एग्जैक्ट सीन में इन लोगों ने लोकी को डेडपूल से रिप्लेस कर दिया है कि थॉर डेडपूल को पकड़ के रो रहा है। लेकिन फिर ऐसा बोला जाए, डेडपूल एकदम से आता है, कैमरे में देखता है, माइक पकड़ता है, कहता है, सक इट फॉक्स, आई एम गोइंग टू डिज्नीलैंड, गेट। और फिर वहां से डेडपूल की एक और क्लिप चालू होती है, जिसमें वो पुरानी वाली चीजें दिखाई जाती है जो हमने पहले वाले टीजर में देखी थी। लेकिन इसमें कुछ और एडिशनल डिटेल्स हैं जो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग डेडपूल को देखते हैं जो कार सेल्समैन बन चुका है, पुरानी यूज्ड कार्स को सेल कर रहा है और धो भी रहा है। लेकिन ये काम वो कर रहा है पीटर के साथ, जो हमने डेडपूल 2 में देखा था, और उसके पास अपना डेडपूल सूट भी पड़ा हुआ है, लेकिन उसको वो लॉकर में रखता है और उसको सहेज के देखता रहता है। बस अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड है क्योंकि उसका वैनेसा के साथ ब्रेकअप हो गया है। इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से मेक श्योर करके दिखा दिया जाता है। और फिर पीटर उसको उसके घर पे लेके जाता है, जहां पे उसकी सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करी जा रही है, और वही सारी की सारी फुटेज वापस से दिखाई जाती है। लेकिन ब्लाइंड आल को देखते ही वेड कहता है कि हम कोक वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यही एक चीज है जो फाइगी जी ने इस्तेमाल करने से मना करी है। लेकिन फिर आते हैं टीवी वाले, जिनको वेड समझ लेता है स्ट्रिपर्स, जो उसको पकड़ के लेके जाते हैं टीवी में, जहां पर उसकी मुलाकात होती है मिस्टर पैराडॉक्स से। वो उसको एक मिशन देते हैं, लेकिन उससे पहले एमसीयू की कई सारी क्लिप्स दिखाते हैं और फिर पूरा सूटअप वाला सीन होता है। लेकिन यहां पर हमको पता चलता है कि वो जो उसको कटाला मिली थी वो कोई नॉर्मल तलवार नहीं है, वो बेसिकली एडमेंटियम स्वॉर्ड्स हैं, व्हिच मींस अ लॉट ऑफ डेंजरस स्टफ फॉर अवर डेडपूल। मतलब वो लोगन के हाथ वाथ भी काट सकता है अब। और एजेंट पैराडॉक्स उससे कहते हैं कि उसको एक हायर पर्पस के लिए चूज किया गया है, एक ऐसा पर्पस जो कि पूरी की पूरी सीक्रेट टाइमलाइन को सेव कर सकता है। Wonder why they are still calling it the secret timeline, but still, ये भी जो भी चीज थी ये बोली गई है। और इसके बाद डेडपूल को उठा करके भेज दिया जाता है, और फिर हम अगली क्लिप देखते हैं जहां पर हमको लोगन और डेडपूल एक साथ दिखाए जाते हैं। ये दोनों एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, वुल्वरीन डेडपूल से पूछता है कि सूट ऐसा क्यों पहना हुआ है, जिसके जवाब में डेडपूल उसको कहता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को घर से तब निकलने नहीं दे सकता जब वो लॉस एंजलिस रैम की तरफ से खेलता हुआ नजर आ रहा हो। अब लॉस एंजलिस रैम की जर्सी कैसी दिखती है आप देख लो अपनी स्क्रीन पे। लेकिन इसके साथ ही साथ डेडपूल ये भी बोलता है कि क्या डेडपूल का MCU में आने का मतलब है कि इस पिक्चर में हमको काफी सारे ढेर सारे कैमियोस देखने को मिलेंगे। नाउ दिस इज एवरीथिंग जो हम लोगों ने सिनेमाकॉन में मार्वल की तरफ से देखी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और कुछ नहीं हुआ। पैरामाउंट वालों ने अपनी अलग आर रेटेड लास्ट रॉनिन मूवी अनाउंस कर दी है। मतलब देयर आर सो मेनी ह्यूज थिंग्स गोइंग डाउन, मतलब सबने किया, हर कोई दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किसका कितना बड़ा।
विच एक्चुअली मीन्स हमारे लिए तो फायदा ही फायदा है, बहुत बढ़िया, आई लव लास्ट रॉनिन, लेकिन इसके बारे में और भी बात करी जाएगी रोस्ट वर्स में। फिलहाल के लिए वीडियो को 6-8 घंटे का नहीं बनाते, बट आई वॉन्ट टू नो वॉट यू गाइज थिंक अबाउट इट। तो जाने से पहले, अगर मेरा कॉमिक कॉन का डीसी वाला वीडियो नहीं देखा तो दैट इज गोइंग टू बी हियर। तो जाने से पहले, कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो बड़े मियां छोड़ कर दो।